हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, अभी देखिए मैंने हेयर कट किया है और बियर्ड सेट किया। देखिए कितना अच्छा लुक दिया है। अगर आप ये हेयर कट करना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा ये हेयर कट करना। आप लोगों को दोस्तों ये देख सकते हो, अभी हम यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते, आप फॉलो करिए दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ ईजिली आप कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा या आप लोगों को बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अभी ये देखिए, आपको ऐसा ही करना है। देखिए जैसे मैं कट मार रहा हूँ, आपके पास दोस्तों जैसे आपको सही लगे, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ सीजर, ट्रिमर, या आप कैसे भी आपको सही लगे ऐसा कट मारिए। आपको नहीं ऐसे जमता तो आप अलग अलग टाइप से, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आपको जैसा इजी लगता है आप मेरे चैनल पे जाके अलग अलग वीडियो भी देख सकते हो। आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा हेयर कट। सिर्फ दोस्तों आपको फॉलो करना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान रख के करिए, ज़रूर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये देखिए अभी भी एक नंबर का कैफ है, मैंने फिंगर रखा दोस्तों। ये देखिए मैं वहाँ से इसको, ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट मार दूँगा। ध्यान रखना जहाँ पे फिंगर रखा है उसी टाइप से आपको करना है, उसके ऊपर ज़्यादा लेना नहीं है, नीचे नहीं जाना है। ये देखिए बहुत इजी है दोस्तों, अभी यही सब हेयर कट चलता है ज़्यादा मार्केट में। तो दोस्तों आप लोगों को पहले यही कट करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड में होता है दोस्तों वही करो तो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं सिखा दूँगा ये चीज़। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो देख के बहुत कुछ आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए ध्यान रखिए, बस बहुत ईजी है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएँ, सीख पाएँ। अब ये देखिए दोस्तों, दो नंबर का कैफ है, मैंने फिंगर रखा उसके ऊपर नहीं जाना है। देखिए ये ऐसे ही करना है, देख लीजिए अपने तरफ, ये ट्रिमर अपने तरफ खींच के मारना है, अपने तरफ मतलब ऐसा। ये देखिए अपने तरफ ऐसे ऐसे करना है, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ अपने तरफ मारेंगे दोस्तों तो इसका कैसा फिनिशिंग जो है ना अच्छे से आ जाता है, और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं या गलत। आप अगर इसको अंदर साइड में जिधर ऊपर का बाल है आप उधर टाइप अंदर डालेंगे उसको ट्रिमर को, तो वो फिनिशिंग आपको नहीं देता है। अगर आप ये जो ट्रिमर मार रहा हूँ मैं दो नंबर, अगर आप अपने तरफ मारेंगे तो ईजीली आपको अच्छा। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर फिर से एक नंबर कैप मार रहा हूँ, इसको क्या मैचिंग करना है, ध्यान रखो ये चीज़ को। दो नंबर मारने के बाद आपको हमेशा फिर से एक नंबर का एफ मारना है। कहाँ पे सेटिंग करना है, क्या करना है, वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे नहीं मैं बताता हूँ, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। फिनिशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम पे आपको करना है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों ये ऐसा कट नहीं आएगा। ये देखिए मैंने इसको ट्रिमर सेट किया, पीछे किया, ये देखिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको, ये देखिए कर दिया, अभी यहाँ पे लाइन रखा। ये देखिए आपको धीरे धीरे मैच करना है, ये देखिए आपको ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, इससे आपको नहीं तो मैच करने में परेशानी भी हो सकती है दोस्तों। ये देखिए ध्यान रख के करिए बहुत अच्छे से। ये देखिए अभी मैं इसको आगे किया, थोड़ा सा आगे किया, इसलिए क्योंकि हम देखो सेक्शन याद रखो, पहले उसके ऊपर था फिर थोड़ा नीचे आया, क्योंकि हमने जैसा ट्रिमर सेट किया, क्योंकि ये जो फैड कट होता है दोस्तों इसमें हमारा थोड़ा थोड़ा ट्रिमर का ही मतलब सेटिंग इम्पोर्टेंट। अभी देखो मैंने जीरो किया उसको सेटिंग करके, देखिए कैसे ट्रिमर चला रहा हूँ, कोना देखिए साइड का, पूरा नहीं चला रहा हूँ साइड का कोना, मेरा हाथ कैसे साइड में थोड़ा झुक रहा है एक साइड में, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। आप अगर ऐसे ध्यान रख के करते हैं तो ज़रूर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप लोग सही से नहीं देखते हैं तो वो आप लोगों का गलती है दोस्तों, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाते होंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर, आप लोग पहले यही सब कट करिए दोस्तों। सिंपल क्या है, सिंपल तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप लोग सीख जाओगे, लेकिन ये जो होता है इसके लिए आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है।
ये फिनिशिंग जो है ना सबको इजीली नहीं समझ में आता है। आप इसको इजीली कर पाएंगे लेकिन उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा मैच कर दो आपको जीरो से, वो क्या आप लोग अगर दोस्तों इसी लाइन के हो तो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो समझ में आ जाता होगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी फिर से आपको सेम सेम प्रोसीजर जो उस साइड का है सेम इस साइड का ही आपको करना है, वैसे ही कट मारना है। देखिए इजी है, ध्यान रख के करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों किसी के लिए, बस ध्यान रहना चाहिए क्या करना है कैसे करना है, अच्छे से होता है सब। ध्यान रखो कहाँ पे क्या ट्रिमर चला रहा हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ, बस बहुत अच्छे से हो जाता है। सिर्फ अपना अपना ध्यान और अपना अपने दिमाग की बात है दोस्तों, जितना अच्छे से आप इसको ध्यान लगा के देखेंगे ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कहीं पे भी आप मिस नहीं करता हूँ। ये देखिए अभी मैं सेटिंग किया, ये फिंगर रखा वहीं पे चलाना है जहाँ पे फिंगर रखा उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। ये देखिए अभी दोस्तों इससे इजी मैं आप लोगों को कैसे बताओगे, आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो कमेंट में कि भाई मुझे नहीं आ रहा है समझ में, आप ज़रा और डिटेल में समझाइए, तो ज़रूर समझाऊंगा। ये देखिए कैफ 2 नंबर, इसको मैंने आगे किया। ये देखिए मैंने फिंगर रखा, मैंने बताया ना जैसे अभी कि ऊपर करना है वैसे ही करना है, अपने तरफ उनके तरफ नहीं, उनका जो ऊपर का बाल है हमारे क्लाइंट के उनके तरफ नहीं करना है अपने तरफ। ये देखिए कैसा चल रहा है ट्रिमर, ध्यान रखिए। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता है दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। आप लोग कुछ करेंगे तो अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी होगी कि चलो मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ। बस दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं ऐसे ही आप लोगों को सिखाता रहूँगा, आप लोग का प्यार चाहिए। ये देखिए 1 नंबर कैप मैंने फिंगर रखा, ये देखिए वापस आपको बता रहा हूँ, इतना इजीली समझा रहा हूँ और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। देखिए मेरा हाथ कैसा चल रहा है ट्रिमर का, ध्यान रखो बहुत अच्छा है। आपको अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको कहीं भी कोई भी फेल नहीं कर सकता हेयर कट करने में, आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे हेयर कट के। सिर्फ ध्यान रखो दोस्तों और करते रहो सीखते रहो, ज़रूर बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। देखिए अभी मैं ट्रिमर का सेटिंग किया, फिंगर रखा पीछे किया ट्रिमर, ये देखिए थोड़ा थोड़ा, ये देखिए उसी टाइप से जैसे मैंने आपको उस साइड बताया सेम ये इस साइड का भी है। हमको क्या है ज़्यादा इसमें घाई नहीं करना है और हर चीज़ को फॉलो करना है, कहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ वो चीज़ का ध्यान रहेगा तो दोस्तों बहुत अच्छे से होता है हेयर कट। सिर्फ इसमें क्या है ट्रिमर का ही आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रिमर कैसे चलाते हो। देखिए ध्यान रखो, ये देखो मैंने आगे किया 0, ये देखिए नीचे ये मारा, थोड़ा सा सेटिंग किया जैसे उस साइड सेम इस साइड में, देखिए वैसे मैच कर दो, इजीली हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है आप। देखिए अभी मैं 0 जहाँ पे वो थोड़ा सा बाल दिख रहा है तो उसको मैच कर रहा हूँ, देख सकते हो, क्योंकि आप को इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों मैचिंग, जितना अच्छे से आप मैचिंग और फिनिशिंग देंगे
उतना ही अच्छा हेयर कट हमारा दिखता है, देखने वाला भी सामने वाला भी कोई देखता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, अच्छा करता है, आपका भी नाम होगा। देखिए दोस्तों, आपको आपके कला का ही लोग सलाम करते हैं। आप अगर अच्छे कलाकार हो तो ज़रूर आपकी हर जगह आपको सपोर्ट करेंगे लोग, आप लोग की सराहना भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको क्या ध्यान से करना है, मैं तो बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सिखा पाता हूँ कि नहीं, और आगे भी सिखा पाता पाऊँगा। ये देखिए एक नंबर कैफ है, ध्यान रखो। ये देखिए दोस्तों, दो नंबर कैप, सेम आपको साइड में जैसे बताया आपको वैसे अपने तरफ ट्रिमर को उठा के ही करना है खड़ा। ये देखिए दो नंबर जब मारे, क्योंकि अगर ये चीज़ आपसे मिस्टेक हो गया तो फिर उसको मैचिंग करने में प्रॉब्लम होती है। ये सबसे अच्छा आपको ध्यान रखना है इसके। फिर से ये देखिए एक नंबर, थोड़ा पीछे करिए सेटिंग उसका और स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ध्यान देके करो, इजीली कर पाओगे। देखिए फिर से मैंने सेटिंग किया आगे, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल है। उसको क्या, आप सेक्शन से करते रहेंगे तो आपको वो सेक्शन प्रॉपर मिलते रहता है दोस्तों। अगर आप इधर उधर से छोड़ के करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है। ये देखिए सेटिंग किया पीछे, ये फिंगर रखा, बस उसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि हमारा साइड का और पीछे का ये मैच होना चाहिए सेम। क्या ये मैचिंग हो गया तो आपका हेयर लुक जो है ना अच्छा दिखने लगता है। देखिए ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छे से कर पाओगे। सिर्फ ट्रिमर ध्यान रखो दोस्तों कैसे चल रहा है। ये देखो मैंने उसको सेटिंग किया, ये देखिए थोड़ा सा फिर से थोड़ा थोड़ा नीचे, क्योंकि जहाँ से मैं मार रहा हूँ मशीन उसके ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नीचे ही आ रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान रखो दोस्तों। अभी मैंने सेटिंग किया, जो बड़े बाल हैं उसको मैचिंग, उसको आप मैच कर दो। ये देखिए मैचिंग हो गया प्रॉपर, हमारा हेयर कट 80% कंप्लीट हो गया है दोस्तों। देखिए अभी आप थोड़ा थोड़ा इसको जो है दोस्तों मैच कर दो, जो पूरा बाल साइड का और पीछे का देख लो एक साइड से आप कर लो, कहीं पे भी एक्स्ट्रा बाल रहेगा तो वो आप उसको मैच करेंगे तो अच्छे से वो दिखने लगेगा। कोई कोई बाल नहीं समझो आपको थोड़ा सा ये करने मैचिंग करने में प्रॉब्लम हुई रहेगी तो आप फिर से एक बार चेक कर लो, समझ में आ जाएगा कहीं पे छोटा बड़ा होता है ये। चलिए अभी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर का हेयर कट थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं, आपको क्लाइंट को कितना चाहिए मतलब उसके हिसाब से। देखिए ध्यान रखिए कैसे कट कर रहा हूँ मैं, आप इसको पॉइंटेड से सामने से काट सकते हो, आपको जैसा सही लगे, आपको ऊपर का मैच कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए वो। धीरे धीरे आपको अच्छा लगे वैसे कट कर दीजिए। देखिए ध्यान रख के करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए अभी दोस्तों हम देखो वीट कट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखो मैं ट्रिमर कैसे चला रहा हूँ, यहाँ पे भी आप सीजर से या ट्रिमर से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, दोनों चीज़ से आपको जैसा सही लगे। देखिए ये चीज़ का कट का ध्यान रखना है, दोनों तरफ का मैच करना है। देखिए फिर उसके बाद आप यहाँ का आप रख सकते हो, ब्लेड से भी निकाल सकते हो, आप ट्रिमर भी मार के फिर से आपको जो भी है आपके पास सेविंग जेल है, सेविंग क्रीम है, जो भी जैसा लगे आप करो। ये देखिए ऊपर
ध्यान दो कैसे कर रहा हूँ सेविंग, देखो कितना इजीली कर रहा हूँ और आपको इजी ही समझा रहा हूँ। आप इतना इजी नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, तो फिर भी उसके लिए आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे समझेंगे। क्योंकि अगर आपको मैं एकदम इजी, सिर्फ आपको ट्रिमर अच्छे से चलाना आ गया दोस्तों, तो आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता है। ये देखिए ट्रिमर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो कैसे कर रहा हो, समझ में आ जाएगा इससे से। ये देखिए सेविंग जेल है आपके पास, क्रीम रहेगा, फॉर्म रहेगा, सेविंग जेल। अब जैसे सही आपको लगे वैसा कर लो। अच्छा है, अब इसको अच्छे से अप्लाई कर दो, लगा दो थोड़ा सा अच्छे से। इससे क्या सॉफ्ट हो जाता है, तो हमारे क्लाइंट को सेविंग करने में उनको पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं कट मार रहा हूँ, देखिए रेज़र से थोड़ा आप नीचे का चमड़ी टाइट रखेंगे तो अच्छे से बाल निकल जाते हैं और क्लाइंट को हमारे दर्द भी नहीं होता है। ये देखिए बहुत अच्छे से हो रहा है और आप लोग अच्छे से दाढ़ी भी सेट कर पाएंगे दोस्तों। ध्यान रखो तो कैसा कर रहे हो, देखो आप लोग फिनिशिंग देखो दोस्तों कैसे करता हूँ। कहीं भी आपको मेरे जो मैं बियर्ड सेट करता हूँ, एक भी बाल एक्स्ट्रा इधर से उधर नहीं होता है, वो चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि एक एक बाल का ही फिनिशिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपका जो फिंगर है ऊपर रहना चाहिए, उसको आप टाइट रखेंगे स्किन की चमड़ी, तो वो थोड़ा सा आपको इजीली पड़ता है करने के लिए, कट मारने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। देखिए देखिए कट यहाँ पे, सेम इधर का भी वैसा ही है दोस्तों, सेम ही है। देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। ध्यान दे के करोगे तो ज़रूर आप अच्छे से कर पाओगे और आप लोगों को इजीली मैं समझा रहा हूँ और हर चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ, वैसे ही करना है आपको, फॉलो करते रहना है बस। आप लोग बहुत अच्छे से हेयर कट में और ये बियर्ड सेट आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए हमारा बियर्ड कट भी दोस्तों कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अभी यहाँ पे हम दोस्तों थोड़ा हेयर सेट कर देते हैं। आप लोग ड्रायर से, आपके पास ड्रायर रहेगा तो ड्रायर से सेट कर दीजिए, नहीं तो क्या करने का, सिंपल से ड्रायर नहीं रहेगा अगर तो बाल गीला करने का और उसको कपड़े से साफ़ कर देने का, बाल को साफ़ करके फिर उसको आप फिंगर से, या आप जब सूख जाएगा अच्छे से आप पोंछ देंगे उसको बाल को, तो सूख जाएगा, अच्छा लुक आ जाएगा। देखिए अभी कंप्लीट हो गया दोस्तों, कितना अच्छा दिया मैंने हेयर कट। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।